हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है, उस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है, और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन जिस प्रकार हम लोग मेन से लगा देते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति हमें उस मेन से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्म को जानते हैं। ये बाहर का समय और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। When the Kundalini rises, you actually can see the movement of Kundalini. There have been many people who have been talking of Kundalini awakening. Actually, none of them who say so have shown the rising of the Kundalini. The reason being, the Kundalini never rose. The Kundalini only rises when there is somebody who is already enlightened and who knows the job of rising the Kundalini. सहज योग कोई आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से सहज, सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। ये योग का साधन आपके साथ जन्मा हुआ है, माने जैसे एक जीवंत क्रिया है। ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति है जो हमारे अंदर कार्यान्वित है। अब हमें कहा जाता है कि हम अमीबा से इंसान बन गए, तो कैसे बने, किस तरह से बने, किसने बनाया, हमें तो कुछ पता नहीं किस तरह से बन गए। सहज बने, जो एक आप बीज जमीन के अंदर लगा देते हैं उसमें जो अंकुर आता है वो सहज है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो सहज है क्योंकि एक जीवंत क्रिया है। जितनी भी जीवंत क्रियाएं हैं वो सहज हैं। हमारा श्वासोच्छ्वास लेना भी एक सहज क्रिया है। अगर हमें श्वासोच्छ्वास लेने के लिए किताबें पढ़नी पड़े और या तो किसी से सीखना पड़े तो न जाने कितने लोग जी सकेंगे। इसी प्रकार कुंडलिनी की भी जो शक्ति है वो भी सहज में ही जागृत होती है। ये शक्ति अंदर हमारे अंदर निहित है, हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में, और उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो हमारे मूल जो कि कुंडलिनी है उसका आधार है। ये शक्ति हमारे अंदर है, ये हजारों वर्ष 14,000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि मार्कंडेय स्वामी ने अपने देवी महात्म्य में बताई थी। कोई मैं नई बात आपसे नहीं बता रही, जो आज सहजोग खड़ा हुआ है उसी परिपाटी पर, उसी परंपरा पर ही आधारित है। आज उसकी फलश्रुति होने वाली, उसके फलस्वरूप आपको आज जागृति मिलने वाली है। कोई मैं इसमें नई बात नहीं कर रही, क्योंकि जो चीज़ एक बार जागृत हो जाती है वो आखिर कहीं ना कहीं फलश्रुत होना ही चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, जब आपने बीज लगा दिया उसका पेड़ हो गया तो उसमें ज़रूरी है कि फूल आ जाए और फूल में फल लग जाए, इसमें आपको करना धरना क्या है। ये तो स्वयं ही अपने ही अंदर बंधी हुई सब चीज़ों से अपने आप प्लावित होता है, अपने आप बनता है, उसके लिए कोई विशेष चीज़ करनी नहीं होती। तो सहज का दूसरा अर्थ भी हमारे रोज़मर्रा की भाषा में यह है कि जो सरलता से मिल जाए। सहज माने बिल्कुल ही सहज हो गया, कोई काम सहज हो गया, लेकिन सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। अब ये योग का आपके अंदर अधिकार आप ही के साथ पैदा हुआ है,
ये बात कही गई है, अनेक वर्षों में ये बात कही गई। अभी आप सोचिए कि नानक साहब ने, कबीर दास जी ने इसको बहुत उगाड़ कर कहा, पर उससे पहले अपने यहाँ जो आदि शंकराचार्य, जो बड़े भारी हिंदू धर्म के प्रवर्तक हो गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सहज ही होना चाहिए। कुंडलिनी एक सहज शक्ति है और सहज कार्य करती। उन्होंने कोई विशेष धर्म संस्था या इस तरह से बात नहीं की थी, उन्होंने तो ऐसी बात कही थी कि जो हमारे अंदर शक्ति है माँ की, उसे जागृत कर लीजिए, आपके अंदर आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तभी आप जानेंगे कि आप एक ब्रह्म तत्व हैं और बाकी जो है वो मिथ्या। ये बात बिल्कुल सही है, बाकी सब मिथ्या, एक ब्रह्म मात्र सत्य है। अब ये ब्रह्म चीज़ क्या है? ये ब्रह्म चीज जो है वो है परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति। ये सारे संसार में हम रोजमर्रा देखते हैं कि एक फूल क्या, हजारों फूल क्या, करोड़ों फूल फल बनते, वही पेड़ पनपता है, उसके अंदर से शाखाएं निकलती हैं, उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उसके अंदर फूल, उसके बाद फल। रोजमर्रा हम कितनी ही इस तरह की जीवंत क्रियाएं देखते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य ये होता है कि इस बारे में हम सोचते नहीं कि ये हमें सब किस तरह से मिल रहा है, ये सब कौन कर रहा है। इसे हमारे पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे कहा गया है। ये ऋतंभरा जो है ये ऋतु बदलती है, समय समय से ऋतु बदलते रहते हैं और श्रुति के अनुसार ये सब कार्य होते रहते हैं, इसीलिए इसे ऋतंभरा प्रज्ञा ऐसे अनेक नाम से कहा जाता है। इसे कहा जाता है आदिशक्ति की जो शक्ति है वो ये सर्वव्यापी शक्ति है। कोई इसे कहता है ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो कि संसार में विचरण करती। यही परमात्मा की शक्ति, यही सदाशिव की शक्ति जो है, यही आदि शक्ति स्वरूप जो कि एक हमारी माँ स्वरूप है, वही हमारे अंदर जब प्रतिबिंबित होती है तो उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। परमात्मा स्वयं इस सब चीज के साक्षी हैं। जो कार्य ये शक्ति करती उसके सर सिर्फ साक्षी मात्र देखते रहते हैं, लेकिन जो ये माँ है ये सारे सृष्टि का कार्य करते हुए भी हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहती है। और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है जो कि साक्षी स्वरूप होकर के हमारे सब कार्य को देखते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र को जानने वाला ऐसा वो क्षेत्रज्ञ है। यह आत्मा देखते रहता है और कुंडलिनी शक्ति कार्य करती रहती है, लेकिन यह सुप्तावस्था में हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में वैसे रहती है जब तक हमें ये इच्छा नहीं होती कि हम इस योग को प्राप्त करें। ये सुप्त अवस्था में रहती है। इसको जानने के लिए एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो शुद्ध इच्छा नहीं, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा शुद्ध हो तो जब वो पूरित हो जाती तो फिर हमें कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पूर्णतया कोई सी भी इच्छा पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत होती, फिर तीसरी इच्छा जागृत होती, फिर चौथी इच्छा जागृत होती। पर जब परमात्मा को मिलने की इच्छा प्राप्त होती है, जब उसकी पूर्ति होती, तब फिर सब इच्छाओं से मात होकर के मनुष्य स्वयं ही देने वाला हो जाता है। ये जो शुद्ध इच्छा है यही कुंडलिनी है, और ये 3.5 वलयों में हमारे अंदर बैठी है, जिसका कि बड़ा भारी गणित है, वो कभी समय होने पर आप लोग सब समझ पाएंगे। इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी के बारे में भी इतने विक्षिप्त विचार मैंने संसार में देखे कि मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इस तरह के विचार लोग कैसे ही बगैर किसी अनुभव के लिखते हैं। जो विचार कभी भी 100 साल पहले किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखे थे, वो अनायास आप देखते हैं कि सब दूर लिखे जा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो परंपरागत हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी देन हमारे पास है, जो हमारी हमारी संपत्ति संपदा है, उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बात जो भी लोग लिख देते हैं उसका बड़ा आदर हो जाता है और लोग उसे मानने लग जाते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपके अंदर गर्मी हो जाती है और आपके अंदर ये तकलीफ हो जाती है और वो तकलीफ हो जाती है। जो आपकी माँ स्वयं है, आपने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपके जन्म के वक्त सब आतंक उठाए, सब तकलीफें उठाई, आपको तो कोई तकलीफ होने नहीं दी। फिर जो ये माँ पावन है, जो ये माँ आपकी आध्यात्मिक माँ है, जो आपको आत्मा का दर्शन देगी, क्या वो आपको कोई तकलीफ देगी जो कि स्वयं प्रेम की मूर्ति है? ये सोचना चाहिए। इस तरह की गलत सलत बातें कुंडलिनी के बारे में लिख देने से लोग पता नहीं क्यों एकदम डर से जाते हैं कि कुंडलिनी चीज की जागृति होगी तो ये तकलीफ होगी या वो तकलीफ होगी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे आपकी सब तकलीफें दूर हो जाती।
क्योंकि हमारे अंदर अनेक ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं, विशेष करके 7 चक्रों को हम मानते हैं, 1 कुंडलिनी के नीचे है और 6 ऊपर है, इसीलिए इसे षट चक्र दर्शन कहते हैं। षट चक्रों में से भेदन होता है, जब कुंडलिनी इनको भेदती है तो ये चक्र जो कि कमजोर हो गए हैं हमारे अतिशयता की वजह से, जो हम मध्य मार्ग से हट गए हैं, उन सब चक्रों को जागृत कर देती है। और जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो उन चक्रों से प्लावित जो हमारे अंदर शारीरिक तौर पर जिसे हम प्लेक्सस कहते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और मानसिक तौर पर जो और ग्लैंड वगैरह हैं वो जागृत हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जितनी भी त्रुटियां हैं अधिकतर ठीक हो जाती हैं। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसे करने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। हमको खुद सोचना चाहिए कि धर्म ये हमारी अंदर की शक्ति है। दूसरे परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करना तो और भी मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। परमात्मा तो पैसे को समझता नहीं कि चीज़ क्या है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उस पर हम फौरन विश्वास कर लेते हैं, और 2-4 पैसा देने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब तो इनको पैसा दे दिया है, ये जो भी करते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा दे दिया, जैसा भी है उसमें गुजरना चाहिए। आप परमात्मा को पैसे से खरीद नहीं सकते, ना उसे जान सकते हैं। यही क्या आप सोचे कि ये धरा है जो कि एक बीज को उगाती है, क्या उसको पैसा देने से वो समझेगी? क्या आप सर के बल खड़े हो जाएं तो वो समझेगी? उसकी कोई समझ में बात आएगी? इसी प्रकार परमात्मा भी एक शक्ति है, वो पैसा और इस तरह के जो अवलंबन किए जाते हैं इसको कुछ भी नहीं मानती। मनुष्य अपने अहंकार में सोचता है कि मैं परमात्मा को कुछ न कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे कि परमात्मा खुश हो जाए और वो मानेंगे कि ये बड़ा भारी आदमी। माने लोग हैं बहुत से भूखे रहते हैं। हमारे देश में एक और बीमारी है कि उपास करें। आज नवरात्रि के दिनों तो बिल्कुल उपवास करना नहीं चाहिए। जब माँ मिल गई तो उपवास काहे को कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ इतने लोग उपवास से बैठे हैं, मुझे तो पसीना छूट गया। परमात्मा के नाम पर उपवास करना ये गलत बात है। पता नहीं किसने बताया कि हम परमात्मा के नाम पर उपवास करें। परमात्मा तो चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, जो उन्होंने सृष्टि बनाई उसका मजा उठाए, उसमें आनंद रह से रहें, बजाय इसके कि आप अपने को भूखा रखिए, अपने को दुबला करिए, मार सर के बल खड़े रहिए, एक पैर पे खड़े रहिए। ये सब आतप करने से तो मां जी घबरा जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग सब माँ को जानते हैं, अगर अपने माँ को नाराज करना है तो आप कह दीजिए कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ख़त्म काम, उसका फिर सारा दिन खराब जाएगा। मेरी यही जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जाऊँ वहीं भूखे लोग बैठे रहते हैं। देहात में जाओ तो वैसी भूखमरी है, और शहर में जाओ तो लोग उपवास करते हैं। न जाने कैसे जो भी दिन हमारा प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई शुभ दिन होने की वजह से उस दिन बराबर उपवास होता है। जैसे गणपति का उपवास बहुत महाराष्ट्र में होते रहता है। हमारे यहाँ एक माश है जो कि गणपति को बहुत मानते थे, वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ हो गई। तो मैं बड़े आश्चर्य में आई कि प्रोस्टेट ग्लैंड तो गणपति संभालते हैं और इनकी कैसे खराब हो गई, वैसे सहयोगी हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे खराब हो गई भाई, कुछ समझ नहीं आता। तो कहने लगे कि हो तो गई है, डॉक्टर ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा, बड़ी बुरी हालत में। तो मैंने, हमारा तो प्रसाद आप जानते हैं चना है, तो चना निकाल करके मैंने कहा अच्छा प्रसाद ले लो फिर देखते हैं। तो ज़रा हिचकिचाने लगे। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, आज तो हमें उपवास करना होगा, हम तो उपवास किए हुए हैं। मैं कहा उपवास करें संकष्टी के दिन? अरे भाई, जिस दिन गणपति का जन्म हुआ, अगर हमारे घर जिस दिन जन्म होता है तो हम क्या सूतक पालते? जब कोई मरे तब तो ना सूतक पालते हम, तो हम लोग उसी दिन बराबर आप उपवास करिए तो गणपति तो नाराज होने वाले हो। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने उनको चना खाने को दिया और घर वो गए। उसके बाद मैंने कल डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे दिन उनका बहन ठीक हो गया। ये बिल्कुल कमाल की चीज़ है, लेकिन होता है। जिस वक्त आप कुंडलिनी पे उतरते हैं तो आप कारण और परिणाम से परे चल जाते हैं। कारण से परिणाम जो होता है वो फलित होता है। जब कारण कोई होगा तो उससे परिणाम फलित होता है, पर अगर आप कारण से परे चले जाएं तो कारण न रहा न परिणाम रहा। इस तरह से अनेक बार होते रहा है और हो सकता है अगर आप अपने कुंडलिनी पे आ जाए। इतनी इस कुंडलिनी की धारा जबरदस्त है। मैंने यहाँ जो धवल धारा देखी, इसका नाम है धवल धारा, धौला धौला शब्द धवल से आया, और धवल का मतलब है सफ़ेद। यही कुंडलिनी की धारा सफ़ेद अपने अंदर बहने वाली जो है, उस पर जब आप उतर जाए तो वो जो धारा है उस धारा से में रहने से आप परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते, और वहाँ दुनिया के कारण और उसके परिणाम आपको छू नहीं सकते।
इसलिए कोई कैंसर हो वो ठीक हो जाता है, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो जाती है, मानसिक तकलीफ है वो ठीक हो जाती है, हर तरह की चीज़ें ठीक हो जाती है। किसी किसी को तो एक ही दिन में तत्क्षण ठीक हो जाती है, किसी किसी को थोड़ा समय लगता है, पर हो सबकी ठीक जाती है। वजह यह है कि आप उस दशा में पहुँच जाते हैं जहाँ ये उपाधियाँ व्याधियाँ आदियाँ सब छूट जाती हैं और आप उससे परे देखते रहते हैं सारे संसार को एक नाटक मात्र बन के। ये चीज़ होना हमारे बारे में लिखा गया, कोई आज की बात नहीं, सबने लिखा है कि ऐसे ही होता है। जो बड़े बड़े अवलिया हो गए, बड़े बड़े अवतार हो गए, संत हो गए, मुनि हो गए, साधु हो गए, सबकी यही दशा थी कि आप जानते हैं कि वो कहीं भी रहते थे तो मौज में रहते थे। आपके यहाँ तो कितने साधु संत हो गए हैं बड़े बड़े, जिनके नाम तक लोगों को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे गलत सलत भी बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि हिमालय में जाने से लोग सोचते हैं कि यहाँ सृष्टि सौंदर्य अच्छा है, चलो वहाँ जा करके बसें और दो चार आश्रम खोल दें और लोगों को लूटते रहें, ये भी बड़ा इंतजाम हो जाता है। लेकिन जो आदमी सत्य को जानना चाहता है, जो सत्य को पहचानना चाहता है, उसको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, हमने क्या पाया, हमने क्या अनुभव लिया। एक माँ की दृष्टि से हम कहेंगे कि बेटे तुमने क्या पाया, तुम अपने लिए सोच, तुमने क्या पाया, क्योंकि माँ तो स्वार्थ सिखाएगी और स्वार्थ का मतलब होता है स्व का अर्थ पाना। देखिए हमारे संतों ने कितनी सुंदर भाषाएं बनाई हैं कि स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब है स्व का अर्थ पाना। स्व माने अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा है उसका अर्थ पाओ तब असली स्वार्थ हुआ, नहीं तो बाकी तो सब बेकार ही है। इसलिए स्वार्थ को पाना माने स्व का अर्थ पाना, माने अपनी आत्मा को पाना ही महान स्वार्थ है। और हर माँ यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है उस स्व को पाए। जो माँ कुछ भी माने रखती है वो यही चाहेगी कि अपना बच्चा जो है वो उस आत्मा के आनंद में चला जाए, जो कि आपका धरोहर है, जो कि आपका हक है, वो आप प्राप्त करें। इसमें हमारा लेना देना कुछ बनता नहीं, चाहे योगी जी कुछ भी कहें। वास्तविक बात ये है कि जो हम हैं सो हैं, हमारी क्या विशेषता इसमें हुई, लेकिन जो आप नहीं हैं वो जो हो जाते हैं कुछ, ये तो बड़ी विशेष बात है। और यही विशेष बात है जिसलिए मैं सबको पहले ही प्रणाम करती, क्योंकि जो आज जहां पर खड़े हुए हैं वो अगर ऊंचे उठ जाएं तो वो बड़ी भारी बात होती है। विदेश प्रदेश में तो गणपति से शुरू करना पड़ता है, ग से बातचीत होती है, किसी को कुछ पता नहीं, बड़ी मुश्किल चीज़ है। और वहां धर्म भी बिल्कुल नहीं, बड़े अधर्मी लोग हैं, आधे लोग तो मेरे ख्याल से वहां के सब नरकी में जाएंगे, उनका बचाना भी मुश्किल नजर में आता है। लेकिन आप जो भारतीय हैं, आप में धर्म है, आप धर्म चीज जानते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि आजकल लोग झूठ बहुत बोलने लग गए हैं और गड़बड़ियां करते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग तो काफी हैं ही, जिसको कहना चाहिए कि जो कि किसी और माने में मैं नहीं मानती कि वो भारतीय है। लेकिन जो आदमी भारतीय है उसमें आन बान हर चीज कायदे से अभी भी बनी हुई है। और जो इस देश में पैदा हुआ, ये योग भूमि है, ये विशेष योग भूमि है, आप नहीं जानते इसकी महत्ता क्या है। एक बार हम लंदन से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में हमने एकदम से अपने पति से कहा कि आ गई मेरी भारत भूमि। कहा कैसे जाना, हमने कहा चारों तरफ चैतन्य की लहरियाँ उमड़ रही हैं, ये तो मेरे ही देश में हो सकता। इन्होंने जा करके पायलट से पूछा तो कहले एक मिनट पहले हम लोगों ने अपने देश का किनारा छू लिया, ये मेरी महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि में योग भूमि कहा जाता है, यहाँ बड़े बड़े अवतारों ने इसीलिए अवतरण लिया कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है इसकी जर्रा जर्रा में चैतन्य बहता है। इस भूमि पर आपका जन्म होना भी आपके पूर्व जन्म की जो भी पुण्याई है उसका द्योतक है। आप पुण्यवान आत्मा थे इसीलिए वहां पैदा हुए, लेकिन अभी आप अपने बारे में जानते नहीं है। वो तो तभी जानिएगा जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में प्रकाशित हो। लेकिन सर्वप्रथम ये मान लेना चाहिए कि जब तक हमें सत्य का अनुभव नहीं होता तब तक हम कोई भी चीज को नहीं मानते। अब दूसरी बीमारी गुरुओं की बड़ी जबरदस्त मैं पाती हूँ हमारे यहाँ, जिसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि तीन तरह के लोग होते हैं। बहुत साफ तरीके से हजारों वर्ष पहले वो कह गए कि एक तो होते हैं तामसिक, जो कि गलत चीज होती है उसी के पीछे में भागते हैं। उनको कितना भी बताइए कि ये गलत है तो भी वो गलत चीजों के पीछे भागते हैं कि भाई हमारे गुरु को कुछ मत कहो माँ, वो तो सिर्फ थोड़ा सा रुपया पैसा लेते हैं और तो कुछ नहीं, उनको हमने थोड़ा बहुत सोना भी दे दिया और तो कुछ नहीं, कुछ हमारी हमारे घर से दो चार लड़कियां उनके सेवा में रहती, बड़े अच्छे गुरु हैं आप। और उनसे अगर आप कहें कि ये गुरु का चक्कर आप छोड़िए, आप स्वयं गुरु हो जाइए, तो उसको वो मानते नहीं कि एक गुरु है उसको बना के कहीं बिठा के रख दिया कि ये भाई मेरा गुरु है, अब हो गया हमारे, अब कोई जिज्ञासा आत्मा की तरफ नहीं रही कि ये तो मेरा गुरु बन गया, इसको मैं थोड़े बहुत पैसे देते रहता हूँ, एजेंसी बना दी, अब वो देखता रहता मेरे अध्यात्म को, अब गुरु का मैंने नाम ले गया, अब मेरे गुरु मुझे ले जाएंगे, न जाने
वो शायद कल नर्क जा रहे होंगे, तो आप भी उनके पीछे चले जाइएगा। आपको क्या पता कि ये असल आपके गुरु है या नकल है? आपने कैसे जाना? जानने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। उसके जानने का मार्ग बताया गया कि आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। इसलिए जब तक आप इस चैतन्य को नहीं पाइएगा, आप जान नहीं सकते कि ये आदमी सच्चा है झूठा है। वैसे तो ऊपरी तरह से आप जान समझ सकते हैं अगर अपनी बुद्धि आप तीक्ष्ण रखें, लेकिन कोई भी आदमी काषाय वस्त्र पहन के आए तो आप सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है, क्या कहने, ऐसा बढ़िया आदमी है कि कुछ पूछिए नहीं। हालांकि उसके मुंह पे हजारों झुर्रियाँ पड़ी होंगी, उसके शक्ल में कोई भी तेजस्विता न हो, कोई भी नूरानी चेहरा न हो, लेकिन आप सोचेंगे बस ये काषाय वस्त्र पहन के आए तो बहुत बड़े आदमी। लेकिन सीता जी ने अपने आख्यान में, जो कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, एक पूरा के पूरा चैप्टर लिखा हुआ, पूरा अध्याय लिखा हुआ है, उन्होंने साफ साफ बताया कि औरतों को किसी भी सन्यासी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो गलती कर चुकी थी। अगर कोई सन्यासी है तो उसको किसी की दहलीज ला, किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांगने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, किसी भी गृहस्थ का रुपया खाने की उसको अधिकार नहीं। देखिए उन्होंने इतनी बातें लिख रखी। और अगर कोई सन्यासी बन के घूमता है तो उसको गांव से बाहर रहना चाहिए, वो भी 2 दिन से ज्यादा किसी गांव में न रहे। और औरतों को तो किसी भी सन्यासी के पैर नहीं छूने चाहिए, साफ उन्होंने लिख दिया। लेकिन हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो सीता जी ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि इस चक्कर में नहीं आना सन्यासियों के। सहयोग में सन्यासी होना बिल्कुल मना है, सन्यास लेना ही मना है, क्योंकि आप विदेही हो जाते। जैसे राजा जनक थे, उनको कोई जरूरी नहीं कि आप बाह्य से कोई चीज को माने। बनते तो सन्यासी, रुपया इकट्ठा करते हैं, बंगले बनाते हैं, घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में शराब पीते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी बाबा हैं। और सारा पैसा हम गृहस्थों से ले जाते हैं। गृहस्थ बहुत बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ से आप चाहते हैं कि आप रुपया पैसा लें, पैसा कमाएं और बने बड़े आदमी, सो गलत बात है। आप देखिए आज तक किसी भी महापुरुषों ने ऐसे कार्य नहीं किए, कहीं भी नहीं सुना। ईसा मसीह थे, वो एक सुतार के, कारपेंटर के लड़के थे, वो अपना कारपेंटर का काम करते थे और उसी ढंग से रहते थे। राजा जनक थे, वो बड़े भारी राजा थे, राजा के जैसे रहते थे क्योंकि राजा थे, लेकिन अंदर से विदेही थे, इसलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है। संन्यास एक अंदर की भावना है, जब आदमी संन्यस्त हो जाता है तो वो छटक जाता है, संसारिक चीजों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। यह सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से सन्यास्त आदमी जब होता है, जब उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आता है, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी से लिपटता नहीं, आत्मा जो है सबसे दूर तटस्थ होकर के देखता है। और उसी प्रकार जब मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जागृत होकर के जब आत्मा को छू देती है, तो आत्मा आपके चित्त में प्रकाश डाल देता है और उस प्रकाश से मनुष्य अपने अंधकार को देखता है कि ये माया मोह जाल में मैं क्यों फंसा हुआ, इससे अलिप्त रहता। लेकिन किसी चीज से भागता नहीं, कोई पलायनवाद नहीं है सहयोग में कि आप उस चीज को छोड़ के भागिए और कहिए कि हम तो अब गृहस्थ में नहीं रहेंगे। हमको तो पूरे गृहस्थ में रह करके ही आत्मा को प्राप्त करना है, पहली बात। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि सहयोग एक समाजोन्मुख है, ये नहीं कि आप एक आदमी पार हो जाइए। आज सहयोग उस चरम सीमा पे है जहां इसे महायोग कहना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग इसे पार हो सकते हैं, एक ही तत्क्षण उसी समय हो सकते हैं। तैयारियां ऐसी, आज बाहर के दिन आ गए तो हजारों फूल फल बन सकते हैं। जिस वक्त शुरुआत थी आत्मिक पेड़ की, तब हो सकता है कि एक ही दो लोग इस तरह से प्राप्त हुए, लेकिन आज ये समय आ गया है कि हजारों लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समा समा की बात है, उसे प्राप्त करना चाहिए और उसमें रममान होना चाहिए। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान, क्योंकि पूर्वजन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानी में पार कराना है कहीं नहीं।
अब आपको इतना ही करना है, जैसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों को पैर अलग रखें, नीचे बैठे लोग ठीक है पर तो भी जूते उतार इसी तरह से। अब अपना राइट हैंड मेरे ऊपर, मैं इसलिए राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कहती हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेजर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ के जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखे, राइट हैंड मेरे तरफ और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र यानी ब्रह्म का छेद, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है। देखिए सब झुका के देखिए, पर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, तो गरम गरम हवाएं दी, इसलिए कृपया आप फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर अधांत्री हमारे मराठी भाषा में कहते हैं अधांत्री। अब फिर से राइट हैंड हमारे और करिए, सर झुका के और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है, इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है, तीन बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है, मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली गोस्ट की फूल ब्रीज है, तीन बार पूछिए, ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति। अब हाथ नीचे, हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे और करिए और निर्विचार होके मुझे देखे, बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखे। किसी किसी को नीचे से गरा रहे हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गरम,
और सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें सच्चाई के साथ। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। एक बार आप ऊपर करें, सबको नहीं देख पाए। वाह क्या कह रही।